नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा बोल रही हूँ। मैंने ब्रोकली के बीजों का जर्मिनेशन किया है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक प्लास्टिक का देख रहे हैं डब्बा है, जिसमें ढेर सारे होल हैं। इसी में मैं सीड ब्रोकली की सीड लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें प्लास्टिक का पहले सबसे नीचे एक ये देख रहे हैं मच्छरदानी का या कोई भी जो होल वाला चीज हो उसको डाल दीजिए। नहीं हो तो कॉटन कपड़ा भी हम यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने लगा दी प्लास्टिक की, वो चारों तरफ से डाल दिया। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से इसको डाल दिया। ऐसे करके इसको डाल दिए। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कागज पेपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल देती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए मैंने। अब सूखे हुए पत्ते जो मेरे बगीचे से निकलते हैं उनको भी मैं इसमें काट के डाल देती हूँ। ये छोटे छोटे पत्ते जो आपके अपने खुद के बगीचे से निकलते हैं, घास ये सब सूखे हुए नीचे में मैंने इसमें डाल दिया। ये इस तरह से काट कर सूखे हुए पत्ते, ये खाद का काम करेंगे, पौधे को नाइट्रोजन देने का काम ये करेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको काट के इसमें डाल दिया। अब ये रही मिट्टी, मिट्टी को मैंने पहले ही बता रखी है कि मैं सैंड, मिट्टी, गोबर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसी का उपयोग करती हूँ। तो इसमें देखना यह है कि बहुत करे इसको देख लेना है, इसलिए मैंने इसमें रहने दिया था कि इसको मैं उपयोग करते समय आपको दिखला सकूँ। ये जो है इनको आप चुन करके हटा दीजिए, बड़े बड़े चीज में नहीं रहने चाहिए। इसकी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होने चाहिए। जो इसमें 50% मैंने सैंड रखी है, इस मिट्टी में मैंने 50% बालू सैंड और 50% में मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद, थोड़े से गोबर के खाद मिला रखे। अब इसको मैं इसमें भर दूंगी। ये देखिए कितना बड़ा सा एक निकला। तो इस तरह के जो आपको बड़े कोई भी चीज़ निकले तो उसको आप बाहर निकाल दें, उसको ना डालें, क्योंकि वे आपके सीड को खराब कर सकते हैं।
आपकी मिट्टी जितनी अच्छी होगी, जितनी सॉफ्ट होगी, उतने उतने ही अच्छी बात रहेगी आपके पौधे के लिए, आपके बीज के लिए। अगर मिट्टी में मिट्टी सॉफ्ट हो और अच्छी ड्रेनेज हो, ड्रेनेज के लिए हमने इसमें बालू का उपयोग कर रखा है, तो ड्रेनेज तो अच्छी होगी। अब इसको ऐसे करके डाल देंगे, डाल दिए। एक कोई बड़ी चीज चली गई, इसको मैं देख लेती हूँ। देखिए, जो आप हमारे बगीचे से जो निकलते हैं या घर के किचन के सामान में जो खाने पीने में जो निकलते हैं, वैसी वस्तुओं को मैं नहीं फेंकती। केले संतरे के छिलके हुए, लौकी के छिलके हुए, साग साग के कटे हुए हुए, इस तरह के सामान को मैं खाद के रूप में उपयोग कर लेती हूँ। इसको नीचे रख दिया मैंने। इसको मिट्टी को बहुत दबाना नहीं है, बहुत दबाने से ये मिट्टी देखिए। अब मैं आपको ये दिखा दूँ कि सीड होते कैसे हैं, ब्रोकली के सीड्स होते कैसे हैं। देखिए, ये ब्रोकली के बीज है, ये कितने नन्हे नन्हे से रंग में ये हरे हैं, दिख रहा है, ये हरे कलर के दिख रहे हैं, एकदम सरसों के दाने के जैसे। अब इनको ऐसे हमको दोनों उंगली से उठाना है, और पहले इस किनारे से लेंगे, इस किनारे से, फिर एक इस लाइन से, और फिर बीच में दो चार दाने डालेंगे। इस तरह से हम इसको एक एक इंच की दूरी पर डाल देते हैं, ऐसे करके इसको डाल देते हैं। इतनी इतनी दूरी पर इसको उंगली से उठा के डाल देना है। दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा बीज लगा करके नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे सीड्स को ये कर लिया है, तो अब और अधिक हो जाएगा तो फिर मैं उसको लगाने के लिए मेरे पास और ज़मीन नहीं है। मैंने वो जितना मुझे करना था उतना कर लिया, बहुत ढेर सारे अभी भी मेरे पास बने हुए हैं। उस समय मैंने इसको ये नहीं किया था, वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो सोचा अब बनाकर आपको दिखा दूँ। अब इसके ऊपर एकदम थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी डाल देना, ऐसे करके हाथ से हल्का 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 मिट्टी जो आपने किया है उसमें हल्का सा मिट्टी डाल देना है। बस इस तरह से इसको बहुत हल्का, एकदम महीन मिट्टी, एकदम थोड़ी सी जो मिट्टी मेरी थी उसी मिट्टी में से मैंने डाल दी। अब दोस्तों, इसमें पानी नहीं डालेंगे हम। अब देख रहे हैं ना, यहाँ नीचे मिट्टी निकल गई है, तो इसीलिए मैंने इसमें प्लास्टिक लगाई है बगल से। तो एक ट्रे लेंगे, इस ट्रे में इसको डाल, डालने के बाद अब इसमें मैं पानी डालूंगी।
अब मैंने इसको ट्रे में रख दिया ताकि अगर कुछ मिट्टी अगर नीचे आए तो ट्रे में रहे। पानी को मैं इस ट्रे में डाल दूँ, इस प्लेट में डाल दूँगी। प्लेट में मैंने इसलिए पानी को डाला कि मैं ऊपर से पानी दूंगी तो मेरे बीज बैठ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, दब जाएंगे। और पानी इसमें डालने से ये धीरे धीरे करके इनको जितनी आवश्यकता होगी, जितनी ज़रूरत होगी, उतना पानी वो क्या करेंगे कि लेते रहेंगे, इसमें से लेते रहेंगे। इसको अभी थोड़ी देर के बाद छोड़ देती हूँ। आधा घंटा के अंदर हम देखेंगे कि सारे के सारे पानी खींच लेंगे ऊपर, फिर मैं इसमें पानी भर दूँगी। तो इस तरह से इसका मैंने बीज लगाया है। इसी तरह से बीज लगाने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैंने पहले जो लगाए थे तो मेरा रिजल्ट कैसा आया है। ये रहे मेरे पहले लगाए गए ब्रोकली के पौधे। इसमें से मैंने इधर से निकाल के पौधे अपने खेत में लगा लिया है, मैं उसको भी आपको शो कराऊंगी। ये वो पौधे हैं जिसमें से मैंने खेत में उनको लगा दिया। इतने पौधे बच गए इसमें। इसको निकालने के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया करती हूँ, ये जिससे कि इनकी जड़ खराब ना हो, टूटे नहीं। इनको यहाँ नीचे लगाना, ऐसे नीचे लगाने के बाद धीरे से ऐसे पकड़े, देखिए दोस्तों ये रहा ब्रोकली का, ये है ब्रोकली का नन्हा सा पौधा। इसके जड़ देखिए कितने खूबसूरत जड़, नन्हे नन्हे जड़ है। अभी मैंने खेत में लगा रखे हैं इसलिए मैं इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपको दिखाने के बाद मैं फिर से इसको इसी में डाल दूँगी। अभी थोड़े से और लगाने हैं खेत में, अभी थोड़े और लगाने हैं। और इसमें भी मैंने लगा रखे हैं, ये मेरे ब्रोकली के सीडलिंग्स है। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है, ये काफ़ी अच्छे हो चुके हैं एकदम से। ये इनको अब अलग अलग लगाने का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास अभी कोई खेत तैयार नहीं है। अभी खेत तैयार होगा करूंगी, इसके बाद मैं फिर इसको इन लोगों को लगाऊंगी। इसीलिए मैंने आज दो चार ही बीज डाल के आपको दिखाया। अब इसमें अगर ट्रे में, इसमें भी मैं ट्रे में इसमें पानी डाल के रखती हूँ, जितना पानी इनको ज़रूरत हुई उतना ये खींच लेते हैं। इसमें ये हैं मेरे पौधे जिसको मैंने खेत में लगा रखे हैं। ये सारे के सारे ब्रोकली के पौधे हैं जो उस ट्रे से मैंने निकाल के यहाँ लगाई। ये सब अभी नन्हे नन्हे पौधे हैं, इनको ज़मीन में लगाने के बाद इसमें ग्लास से या छोटे मग से धीरे धीरे करके पानी देना है, जब तक थोड़े बड़े ना हो जाए। जब ये बड़े हो जाएंगे, इनमें अपनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो उस समय उसके बाद हम पाइप से पानी दे सकते हैं, झरने से दे सकते हैं। लेकिन अभी इनको पानी देने में बहुत संभल के पानी देना है। अभी देख रहे हैं ना मेरे पूरे खेत को, और बगल बगल में मैंने इसमें मिर्ची लगा रखी है, हरी मिर्च। दो चार निकल जाए अपने खेत का मिर्ची हो तो क्या कहने, जब मन में हुआ गए दो चार मिर्ची तोड़ना है। और मिर्ची खाने की मैं बहुत शौकीन हूँ इसलिए मैंने मिर्ची लगा के रखा है। ये तो ब्रोकली की हो गई पूरी खेती। इस तरह से देखिए पूरी की पूरी ब्रोकली की खेती मेरी। अभी नन्हे नन्हे ब्रोकली हैं,
अभी जब ये बड़े हो जाएंगे, खिलेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे, कितने स्वादिष्ट लगेंगे। मैं खूब उपजाती हूँ और लोगों में बांटती भी हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, मैं फिर अपने खेत से अपने यहाँ पर आ गई, जहाँ पर मेरे नन्हे नन्हे पौधे ट्रे में लगे हुए हैं। ब्रोकली के साथ ऐसा है दोस्तों, कि जब ब्रोकली का फूल निकल जाता है, जैसे गोभी का फूल निकलता है, हम लोग उसको काट लेते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन ब्रोकली के साथ ऐसा नहीं है। ब्रोकली को आप ऊपर से काट लेंगे तो उसमें फिर ब्रोकली निकलेंगे। तो इस तरह से उसके पौधे को काट के फूल का आप उपयोग कर लीजिए, खा लीजिए और उसको पौधे को रहने दीजिए। फिर उसमें फूल देंगे, फिर जब वो फूल थोड़े बड़े हो जाएं, फिर उनको तोड़ के खा लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, लाइक करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।